नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी बडी हाई स्टडी बडी पर। आज हम TGT मैथ में जो क्वेश्चन आए हैं 60 मैथ के, उनको सोल्व करेंगे और जानेंगे कि किन किन फॉर्मूलों से हम उन सवालों को और जल्दी सोल्व कर सकते थे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल था, एक पानी के गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, वर्ती किनारे हम एक गिलास बना लेते हैं। एक ग्लास था, इसका ऊपर की त्रिज्या 2 थी और नीचे वाली त्रिज्या 1 थी, ऊंचाई भी दे रखी थी, क्षेत्रफल पूछा गया था। तो क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है, फॉर्मूला होता है π/3 इंटू r² + r² + rr इंटू एच। इसी फॉर्मूले को हम पुट करेंगे तो ये होगा 1/3 गुणा 22/7। आर 2 थी, 1 है, तो ये टोटल आर आर इंटू आर आर ये करेंगे तो 7 गुणा में ऊंचाई 14 हो जाएगी। 7 से 7 कैंसिल, 14 22 की गुणा 308/3, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। बहुपद के शून्य को माइनस 1 है तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? याद रखिए कि कैसे भी त्रिघातीय समीकरण में अगर उसके अल्फा बीटा गामा हम अगर मान लें उसके शून्य हैं तो तीनों का जोड़ जो होता है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट के आगे माइनस का निशान लगाएं हम तो माइनस 1 के बराबर होगा ये, और बटे एक्स क्यूब का कोफिशियंट जो कि 1 है। फिर तीनों की गुणा अल्फा बीटा गामा वो जो होती है वो होती है लास्ट का जो कॉन्स्टेंट है उसके आगे माइनस और बटे वही एक्स क्यूब का कोफिशियंट जहाँ जो यहाँ पे 1 है। और फिर ये जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, इसका तीनों का जो होता है ये होता है एक्स का कोफिशियंट बटे क्यूब बी क्यूब का जो एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट यानी 1। हमसे बीटा गामा का मान पूछा है, अगर अल्फा हम मान लें माइनस 1 है तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा की जगह पे माइनस 1 रख दूँ तो मैं देख पाऊँगा कि बीटा प्लस गामा का जो मान है वो -1+1 है, -1+1। और मैं यहाँ पे भी अगर अल्फा का मान -1 रख दूँ यहाँ पे भी तो ये होगा -β + β γ - γ = b। माइनस बीटा और माइनस अल्फा को मैं दूसरी साइड ले जाऊँगा तो ये प्लस बीटा और प्लस गामा हो जाएगा, जिसका मान मैं रख सकता हूँ -α(a+1), तो b - a+1 ये दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ, काफ़ी ज़्यादा समय लगा दिया हमने। तो 3, 5, 5, 7 इनमें से एक औसत निकालना और आपसे पूछा है क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या इनमें से होगी। तो इनका औसत निकालेंगे तो 36, 21, 10, 3 सबको जोड़ेंगे तो 70, संख्याएँ 10 हैं तो औसत कितना आया? 7। ये पूछ रहा है कि एक संख्या चुने तो क्या औसत आने की संभावना कितनी है, तो 7 आने की संभावना है 3, और टोटल कितनी संख्याओं में से 10 में से, 3/10 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक समांतर श्रेणी में 7वें और 21वें पद का मान दिया था तो मैं कह सकता हूँ हमें मान दिया गया है a+6d का। देखो 7वां पद होगा a+6d और a+20d क्योंकि हम 21वां, अगर मैं इन दोनों को घटा दूँ ये 6 था ये -22 है, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दूँ तो मैं 14d का मान आ जाएगा -28 और d का मान आ जाएगा -2, d आ गया -2। इसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a का जो मान है वो 18 आ जाएगा, a+6d = -2 था ना, तो 18 आ जाएगा। हमसे पूछा है 26वां पद यानी a+25d, a का मान 18 और b का मान -2, तो -50 और +18 तो -32 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल 95 की तरफ। आयताकार उद्यान की लंबाई चौड़ाई 3-2 है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा 8 मिनट में, तो 60 मिनट में जाता है ये 1/5, तो 8 मिनट में जाएगा 8/5 यानी कि गुणा में हम हजार करेंगे तो हो जाएगा 200, 5 से कटेगा 5 पे 12 × 5 = 60, 5 से कटेगा तो 200, 200 की 8 की गुणा यानी 1600 आ जाएगी इसकी वृद्धि परिमाप। 3x 2x तो 2 × 3x 2x 10x यानी कि x का मान आ जाएगा यहाँ से 160, तो 1 भुजा तो 320, 1 जगह भुजा
480 दोनों की गुणा कर देंगे हम तो आ जाएगा ये ऑप्शन। अगला सवाल था खंभे की ऊंचाई लंबाई की रूट छाया की लंबाई की रूट 3 गुणा है, तो यानी छाया अगर एक है तो ये रूट 3 है, तो ऐसा होता है जब ये कोण 60 डिग्री हो, तो 30 होता तो ये रूट 3 होता, वो यहाँ पे एक होता है यहाँ पे रूट 3 होता, और एक एक जब 45 45 हो। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी दोनों बराबर दिए हैं। देखो दो चीज़ों का यूनियन कर रहे हैं, यूनियन में बताऊंगा आपको, जैसे एक दो एक सेट है और अगला सेट है 2 3, तो यूनियन होगा कि तीन सब को ले लो 1 2 3, और इसका इंटरसेक्शन होगा कि जो दोनों में कॉमन है वो लो यानी 2। अब वो बोल रहा है कि जब कॉमन ले रहे हैं तो भी सेम चीज़ है, यूनियन कर रहे हैं तो भी सेम चीज़, इसका मतलब ए और बी बराबर ही चीज़ है। यहाँ से हमारा ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 98 की तरफ। इसको जब माइनस करेंगे तो ये 2 रूट एक्स बराबर है 20 आ जाएगा, रूट एक्स का मान 10 आ जाएगा। आगे हम सोल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 100, दोनों साइड स्केयर करेंगे तो यानी 4 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि tan a बराबर है tan b, हम क्या करेंगे a का मान 60 और b का मान 30 रख देंगे, जब रखेंगे तो सोल्व कर लेंगे हम इसको, m का मान आ जाएगा n का मान आ जाएगा, cos स्क्वायर a, a का मान 60 रखूँ तो ये 1/4 आएगा, तो वैल्यू पुट करके हम जब निकालेंगे एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, एम स्क्वेयर माइनस 1/(n²-1)। इस सवाल का जवाब द्विघाती समीकरण के शून्य क्या होंगे, तो देखो शून्य निकालने का तरीका होता है माइनस बी प्लस माइनस √b²-4ac। यहाँ पे बी स्क्वेयर यानी 99 का स्क्वेयर होगा और उसमें से 4 × 127 × 1 ये घटेगा, और माइनस बी है तो प्लस का करेंगे यहाँ पे, तो भी बी से तो छोटा ही आना है क्योंकि बी से कुछ कम हो लिया, और माइनस करेंगे तो माइनस का रहना ही है, तो दोनों ऋणात्मक ही होंगे। 3 से विभाजित दो अंकों की कितनी संख्या है, देखो 3 से विभाजित सबसे छोटी संख्या है 12 और बड़ी है 99। एपी के तरीके से हम 99 से 12 घटा के 87/ जो सारा अंतर है 3 3 का चलेगा प्लस 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30। वैसे भी आप सोच सकते थे कि 10 से लेकर या 12 से लेकर 99 तक टोटल कितनी संख्या होंगी जो 3 से भाग होंगी, या 1 से 100 तक हमें पता है 33 होती हैं, तो 3 6 9 3 आ ली उनको घटा देंगे तो भी 30 आ जाएगा। यदि एक बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है तो बहुलक उसकी माध्यिका से कितना अधिक होगा, एक रिलेशन है जो आपको याद रखना होगा, ये होता है कि मीन माइनस मोड मोड बराबर होता है 3 × mean माइनस मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने दिया था कि ये जो मीन है बहुलक जो है उसके माध्य से 12 अधिक है, ये बहुलक है ये 12 अधिक है इससे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, कम में से हम ज़्यादा घटा रहे हैं तो माइनस का 12 बचेगा, बराबर है 3 × mean ठीक है माइनस मीडियन। तो अगर मैं यहाँ से कैंसिल करूँ 3 × -4 और m को भी इधर ले आऊँ तो हो जाएगा, मीडियन को इधर ले जाऊँ और 4 को उधर ले जाऊँ तो मीडियन का मान आ जाएगा m+4। तो देखो बहुलक इससे 12 ज़्यादा था और अब ये 4 और ज़्यादा हो गया, यानी माध्यिका जो है वो बहुलक से 8 कम है, या फिर बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है तो 8 ज़्यादा है, क्योंकि मोड जो है वो मीन से 12 ज़्यादा है। अगर मैं मीन में 4 और जोड़ दूँ तो इसका मतलब ये जो संख्या आई है m+4 ये 8 ही ज़्यादा, इससे मतलब मोड जो है वो 8 ही ज़्यादा है, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ऐसे किसी सवाल को करने पे आपको क्या करना चाहिए, जब a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c और ये दे रखा हो, जब ऐसा कोई मान दे रखा हो आपको, आपको क्या करना है, तो दोनों को स्क्वेयर करके जोड़ देंगे हम इसको, टी के बराबर मान लेंगे, टी के बराबर इसको दोनों को स्क्वेयर करके जोड़ के सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगला सवाल ए सी, देखो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं बी प्लस ए प्लस सी के बटे में ले जाऊँ बी प्लस डी को,
तो इनका रेशियो आ जाएगा 2:1, और चारों का जोड़ा हमें 360 पता है, तो ये 240 आए, इन दोनों का जोड़ 240 होना चाहिए, इनका 120। डी का मान आपको 60 दे दिया, तो इसका मतलब बी का मान भी 60 ही होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ तो 120 होना है। यहाँ से आप अपनी मर्जी से कुछ भी इस एन का मान 0 पुट कर दो, या 2 की पावर n को कॉमन ले लो, नीचे के 2 की पावर n+2 को कॉमन ले लो, कैसे भी करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एन का मान 0 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 16, ये 2 नहीं 32, माइनस यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी ऊपर बच गया 28। नीचे 0 पुट करूँ तो ये 16 चौके 64, माइनस यहाँ पे 0 तो 2 2 4 2 8, ये होगा 56। 28 से 56 कट गया तो 1/2 आ जाए। एन परीक्षणों का माध्य ये था, यदि प्रथम परीक्षण में 1 की वृद्धि कर दी जाए, अगले में 2 की, तो देखो माध्य सबका जोड़ निकाल लूँ, माध्य का मतलब औसत ही था, सबका जोड़ ये हो जाएगा, इसमें 1 2 3 ऐसे जुड़ते चले गए तो वो जुड़ के n(n+1)/2 हो गया, इतना और जुड़ गया। लघुत्तम में पूरे का 2 ले लूँ तो 2 यहाँ पे भी आ जाएगा और 2/2 में हो गया। अब इनका औसत पूछा है, संख्याएं तो एन ही रही तो एन से डिवाइड कर दूँ मैं, तो 2n से तो 2n कट जाएगा, यहाँ पे इसके बटे में अलग से करूँगा, इसके बटे में अलग से, तो यहाँ से भी n से n कट पाएगा, तो यहाँ तो बच गया x और वहाँ पे बच गया n+1/2। तो दूसरा, यदि एक संख्या x संख्याओं 1 2 3 में से चुनी जाती है, तो एक संख्या 1 4 9 में से चुनी जाती है तो किन की गुणा, देखो 1 2 3 और 1 4 9 की गुणा करेंगे तो 1 4 9, फिर 2 की गुणा करूँ तो मैं 2 8 18, और 3 की गुणा करूँ तो 3 12 27, ये संख्याएं हैं। तो पूछ रहा है एक्स वाई की गुणा 9 से कम हो, तो 1 2 3 4 5, 5 केसों में ऐसा है, कै में से 9 में से, तो 5/9 आ जाएगा। 108 का तीसरा पद, तो एन की जगह पे 3 रख दें, कुछ नहीं माइनस, इसका आंसर 4 आ जाएगा। फिर प्रसार व्यापक पद है, तो इसका पद होता है n CR(x)n-r, या वैसे चौथा भी होता है लेकिन जनरल टर्म ये होती है जो पहले वाली है। अल्फा बीटा, ये फिर वही सवाल हमारे पास, हमने सीखा था कि ये जो मान है ये होता है, ये जो 110 का सवाल है, हमने सीखा था कि अगर इसका अल्फा बीटा बीटा गामा, तो जो एक्स का कोफिशियंट हो वो लिखो, यानी सी, और बटे में जो इसका एक्स क्यूब का कोफिशियंट हो ए, बस तो सी बाई इस सवाल का जवाब हो जाना था। आगे के सवाल हम अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।